मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। अगर हर एक इंडेक्स पे आप नज़र डालोगे तो करीबन 3 से 4% का गिरावट देखने को मिला है। अभी जो समय हो रहा है 1:20 का समय हो रहा है, और इस समय जो मार्केट का स्थिति है, मैं आपके सामने आंकड़े रख देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिला है निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, करीबन 5% के आसपास यहाँ पे गिरावट है, 4.5%। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी 4.4% के करीब में। बीएसई स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ भी 4% के ऊपर का आंकड़ा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में यहाँ भी 4% के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बीएसई मिड कैप का आंकड़ा देखे तो यहाँ पे 4% के करीब है। निफ्टी मिड कैप 150 यहाँ पे 3 से 4, इट मीन्स कि आप अगर देखोगे तो जितने स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स हैं वो 3 और 4% के आसपास यहाँ पे गिरते हुए नजर आए हैं। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो करीबन 3% ये यहाँ पे टूटा है, और सेंसेक्स में भी करीबन 3% का गिरावट देखने को मिला है। सबसे ज्यादा जो आश्चर्यचकित करने वाला आज डेटा देखने को मिला है, निफ्टी विक्स आज करीबन 50 से 51% जंप किया है, और ये आंकड़ा तब देखने को मिलता है जब मार्केट में बहुत बड़ा, जी हाँ, करेक्शन हो, जब मार्केट यहाँ पे क्रैश कर गया हो। कुछ और आंकड़े जो आपको शॉक कर देंगे, बहुत बड़ा गिरावट जैसे कि 14% के करीब में निकाई 225 में देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप ताइवान का भी मार्केट देखोगे तो करीबन 5% टूटा है। अगर मैं BIST 100 की बात करूँ तो 7% का गिरावट है। देखो, इन्वेस्टर को बता दूं कि यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करना है। अभी मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, कोई भी नहीं बता सकता। तो यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि पूरा पैसा हम एक बार में लमसम करें या पूरा पैसा किसी स्टॉक्स में डाल दें, तो ये गलत डिसीजन होगा। किसी भी एक स्टॉक्स पे आप फोकस करके, जी हाँ, अपना पूरा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर देना। थोड़ा सा आप सेफ मोड में चलना। अगर आप किसी स्टॉक्स को फोकस भी कर रहे हो तो वहाँ पे आप 15 से 20% का ही इन्वेस्टमेंट करो, और कुछ हाथ में पैसा रखो कि मौका मिले तो हम यहाँ पे वैसे स्टॉक्स में और ट्रेड कर सकें। मैं दोबारा बोलता हूँ कि आने वाले समय में और करेक्शन हो सकता है। आज के दिन जो ये स्थिति हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जो 8 PM के करीब में आपको वीडियो देखने को मिलता है, उस वीडियो में मैं आपके सामने डिटेल में सारा आज बात करूंगा। क्यों इतना गिरावट हुआ, कितना और मार्केट टूट सकता है, आने वाले समय में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ देखने को मिला, इन सारे पॉइंट्स पे हम आज के वीडियो में आकलन करेंगे, जो हमारे साइड से इवनिंग में वीडियो पब्लिश होता है, जी हाँ, 8 PM के आसपास। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि आज जो ये करेक्शन देखने को मिला है, आपका हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में करीबन 5 से 8% का दबाव देखने को मिले। अगर आपके पास स्मॉल कैप है तो, अगर आपके पास लार्ज कैप का एलोकेशन है, लार्ज मीड एंड स्मॉल कैप का यहाँ पे मिक्स है, तो यहाँ पे करीबन आपका 2.5 से 3% का पोर्टफोलियो में डाउन देखने को मिल सकता है। ज़्यादा स्मॉल कैप होगा तो गिरावट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड होंगे तो वहाँ पर भी गिरावट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा अभी जो, अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूँ तो IT के इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा है। जी हाँ, देखो, इंटरनेशनल मार्केट में अगर कुछ करेक्शन होता है तो सबसे पहले IT के स्टॉक्स डैमेज होते हैं, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंडियन स्टॉक्स मार्केट के भी IT के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिलता है। देखो, कोई स्टॉक्स गिर रहा है, 10% टूट गया, 15% टूट गया, आप जल्दबाजी में वैसे स्टॉक्स में अपना पूरा पैसा नहीं लगाना। अभी जो है मार्केट में करेक्शन और भी आ सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि देखो, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे 4% 5% के दबाव में ओपन हुआ, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में इन्वेस्टर के सामने आंकड़ा रखा था कि जब बड़े बड़े फिगर में गिरावट हो तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए, हो सकता है वहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन हो। मैं सैटरडे और फ्राइडे को एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने रीजंस बताए थे कि आने वाले समय में गिरावट हो सकता है। आज इवनिंग में जो मैं वीडियो पब्लिश करूंगा, इस पूरे दिन का जो आंकड़ा होगा मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये था वीडियो का विश्लेषण। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया, सब्सक्राइब कर, तभी स्टार्ट करें फिर लिंक ने वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।